भौरी एक इंडियन ड्रामा है जो उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी पर आधारित है। इसमें दर्शाया गया है कि खूबसूरत लड़की भौरी जब ब्याह कर अपने घर आती है तो कैसे गांव के मर्दों की पैनी गिद्ध सी निगाह उसके बदन को नोचने के ख्वाब सजाने लगती है। वो सब मिलकर उसके साथ सोने की जुगत लगाने में लग जाते हैं, मानो वो सिर्फ मांस का एक लोथड़ा हो और जिसे ये भेड़िए खाना चाहते हो, और इसे अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार होते हैं। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस मूवी के जरिए समाज को आईना दिखाया गया है और पितृसत्ता की नीचता को सुवर्णित किया गया है। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से होती है और ये इलाका पूर्ण रूप से ग्रामीण होता है। इस गांव की बड़ी आबादी की रोजी रोटी चौधरी जी के भट्टे पर निर्भर होती है, यानी अगर इन्होंने काम दिया तो उनके घर में चूल्हा जलेगा, अन्यथा उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इसी ईंट भट्टे में एक धनुआ नाम का आदमी भी काम करता है जो लगभग अधेड़ उम्र का हो चुका है। वो घर पर अकेला है और अभी तक अविवाहित है, और उसने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी है कि उसका विवाह कभी होगा। लेकिन गांव के पुजारी उसके लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं जिसका नाम भौरी है और उसकी उम्र लगभग 21-22 है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं कर रहा होता क्योंकि वो लोग उसे मनहूस मानते हैं। दरअसल इससे पहले भी उसकी शादी 3 बार लग चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। एक दूल्हा तो बीच मंडप पे ही हार्ट अटैक से मर गया, और वहीं दूसरा रिश्ता लगने के बाद शादी तक भी जिंदा नहीं रह पाया, और तीसरा तो शादी वाले दिन ही घोड़ी से गिरकर मर गया। अब ये सभी चीजें इत्तेफाक भी हो सकती हैं, लेकिन गांव के लोग अनएजुकेटेड होने के कारण इस सब का दोषी भौरी को मानते हैं, और क्योंकि धनुआ के माँ बाप नहीं थे इसलिए पुजारी और चौधरी ने मिलकर उसकी शादी भौरी से करवा दी। धनुआ की शादी में आए 5 लोग अहम हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र भी हैं। नंबर 1 पर है चौधरी जी, जो गांव के लोगों को रोजगार देता है और गांव के अधिकतर मजदूर उन्हीं के भट्टे में काम करते हैं। दूसरा इस भट्टे का मैनेजर सुरेन, जो चौधरी जी के भट्टे का काम संभालता है और मजदूरों को परेशान करना, उनकी दिहाड़ी काटना इसका रोज का शौक बन चुका है। तीसरा इस गांव का पंडित है, जो धर्म का चोला पहनकर सारे अधर्मी वाले काम करता है, जिसकी खुद की नीयत तो अशुद्ध है और दूसरों को शुद्धि के पाठ पढ़ाता है। और गांव का लाला भी शोषण करने में किसी से कम नहीं है। सर्फ एक्सेल के एड में जितने दाग उस बच्चे ने अपने कपड़े पर लगाए थे, उससे 10 गुना दाग ये भाई साहब अपने चरित्र पर लेकर जी रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ये महिलाओं को उधार तो देता है, लेकिन उसकी वसूली के लिए उनके शरीर को नोचने से भी बाज नहीं आता। और 5वां कुकर्मों का देवता, जो डॉक्टर के भेष में जंगली भेड़िया है, ये लोगों के इलाज के बहाने अपनी खुजली का इलाज करना ज्यादा पसंद करता है। महिलाओं को मजबूर करके उनका शारीरिक शोषण करना इसकी रियल डॉक्टरी है। धनुआ की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई गोपाल और दया भी आए होते हैं। इन्हें अपने भैया से शिकायत होती है कि आखिर इनका बैंड अभी तक क्यों नहीं बजा और इन्हें घोड़ी चढ़ने का मौका कब मिलेगा। वहां बसंती नाम की एक लड़की आती है जिसका मानसिक संतुलन खराब है, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसके घर में सिर्फ एक दादी है। दया और गोपाल की नियत उस पर फिसल जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि धनुआ अपनी शादी से बहुत खुश होता है, और हो भी क्यों ना, उसे पोते खिलाने की उम्र में सुहागरात मनाने का मौका जो मिल रहा है। उसका दोस्त उसकी टांग खींचते हुए भूरी की खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है और उससे कहता है कि जोश जोश में खाट ना तोड़ देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं दया और गोपाल अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बसंती का पीछा करने लगते हैं। वो उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भूखे भेड़िए की तरह उसके शरीर नोचने में लग जाते हैं। वो दोनों बेरहमी से बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और इससे भी जब उनका मन नहीं भरता तो वो लोग उसका कत्ल करके नदी में फेंक देते हैं। लेकिन इन वहशियों की दुकान को बंद करने के लिए वहाँ एंट्री होती है नए इंस्पेक्टर की, जो ना तो घूस लेकर तलवे चाटने वाला है और ना ही उनके 2 टके के गुंडों से डरने वाला है, एकदम अपने चुलबुल पांडे के माफिक। दया और गोपाल को लगता है कि हर बार की तरह वो इस बार भी ये दुष्कर्म करके बच जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दया और गोपाल की तो लाल होने से अब चौधरी जी भी नहीं रोक सकते थे। अगले दिन जब चौधरी जी अपने भाइयों की शुद्धि करवाने पंडित जी के पास आते हैं, ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर उन पर धावा बोल देता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। चौधरी जी उसे अपनी अकड़ से डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनके भाइयों के सामने ही उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ मारता है और उनकी हेकड़ी फौरन 9 to 11 हो जाती है, और तो और वो उन्हें खुला चैलेंज कर देता है कि अपने भाइयों की जमानत करवा के दिखा। हालांकि उसके पास उस वक्त कोई पुख्ता सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन होता है कि जांच की रिपोर्ट आने पर दोषी यही दोनों पाए जाएंगे, और वो उनकी खातिरदारी शुरू कर देता है। चौधरी जी के मामूली वकील को इंस्पेक्टर डराकर भगा देता है। इसके बाद वो शहर के बड़े वकील के पास जाते हैं, जो उन्हें सारी धाराएं गिनाता है जो इंस्पेक्टर ने उनके भाइयों पर लगाई थी, और वो उनसे कहता है कि आपके भाइयों की रिहाई के लिए कम से कम 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हम भौरी के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसके बारे में
में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है कि इतनी हसीन और कमसिन लड़की की शादी इस अधेड़ उम्र के इंसान से कैसे हो गई, इसमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगी। और दूसरी तरफ धनुआ जब दूसरे दिन भट्टे पर काम करने जाता है तो मैनेजर उसे छेड़ते हुए कहता है कि जरा हमें अपनी सुहागरात की कमेंट्री तो सुना दे। इस पर धनुआ गुस्सा हो जाता है, लेकिन मैनेजर का मुनीम फौरन उसकी दिहाड़ी से 20 रुपए ये कहकर काट लेता है कि वो लेट आया है। ये सब तो एक बहाना होता है, उनकी नीयत भौरी के जिस्म में डूबी होती है। दिन भर की दिहाड़ी के पैसे लेकर जब धनुआ लाला के पास तेल लेने जाता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सारा तेल एक ही रात में कैसे खत्म हो गया। लाला धनुआ से कहता है कि अपनी जोरू को हमारी दुकान दिखा दे, जिससे उसे जो भी सामान चाहिए वो खुद आकर ले ले। लाला धनुआ से पैसे लेने से भी मना कर रहा होता है, लेकिन धनुआ को उसकी वहशी नीयत का पता होता है और वो उसके पैसे उसके मुंह पर मारकर चला जाता है। डॉक्टर भी भौरी के जिस्म का प्यासा होता है और वो उसे ताड़ने के नित नए बहाने ढूंढता रहता है, लेकिन धनुआ को इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ लाला गांव की एक लड़की जिसके साथ उसके नाजायज संबंध होते हैं उससे कहता है कि अगर तुम भौरी को मेरे पास ले आओ तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो भौरी से आकर उसका प्रस्ताव रखती है, लेकिन भौरी उसे डांट कर वहां से भगा देती है। और यहां भट्टे का मैनेजर धनुआ को रोज परेशान कर रहा होता है ताकि वो भौरी को रात बिताने के लिए उसके पास भेज दे। यहां चौधरी जी इस बात से परेशान होते हैं कि वो अपने भाइयों की जमानत के लिए 50,000 रुपए कहां से लाएं। तभी पंडित उसे आइडिया देते हुए कहता है कि अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी से रोज 30 रुपए काटें तो एक महीने में पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। वो मजदूरों में इस बात का ऐलान करते हैं, जिससे वो लोग उनका विरोध करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहाँ रोजगार का कोई और जरिया नहीं होता। और सुरेन उनसे कह देता है कि जिसे काम करना है करे और जिसे नहीं करना वो जा सकता है। ये सुनते ही बाकी के मजदूर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। धनुआ उनसे बहस करता है, जिस पर सुरेन उसे साफ कह देता है कि अब काम पर तभी आना जब रात में भौरी मेरे पास आएगी। ये सुनकर धनुआ को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि इन दबंगों के आगे उसकी एक न चलती, इसलिए वो चुपचाप घर आ जाता है। यहाँ धनुआ के एक दोस्त के बेटे की तबीयत बेहद खराब होने लगती है, इसलिए भौरी भी उसकी जोरू के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है, जहाँ वो भौरी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि इसका इलाज करने के लिए महंगी वाली दवाई देनी होगी। दूसरे दिन जब भौरी उनके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा बाहर खाट पर बीमार पड़ा है और उसके घर से अजीब सी आवाज आ रही होती है। अंदर झांक कर वो देखती है कि डॉक्टर उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है और उसे मजबूर करके उसके जिस्म से खेल रहा होता है। भौरी जब अपने घर आकर ये बातें धनुआ को बताती है तो वो उससे कहता है कि उसने तो अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। वो उसे सच बताता है कि सुरेन ने उसे तब तक के लिए नौकरी से निकाल दिया है जब तक कि वो भौरी को उसके साथ सोने नहीं भेजता। भौरी कह देती है कि भले ही मुझे कम में गुजारा करना पड़े या एक वक्त भूखा ही सोना पड़े, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी क्योंकि मैंने शादी तुमसे की है, उन दरिंदों से नहीं। दूसरे दिन धनुआ उनके पास जाता है अपनी 7 दिनों की बची हुई मजदूरी लेने, जिस पर चौधरी उससे कहता है कि एक रात के लिए भौरी को मेरे पास भेज दे, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। इसका तीखा जवाब देने पर वो लोग धनुआ को बहुत मारते हैं, जिससे उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है और साथ ही उसे खूनी उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। बहुत चोट लगने पर डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी कर देता है, लेकिन उसकी उल्टी को देखकर वो कहता है कि मामला बहुत गंभीर है, हमें धनुआ का ब्लड टेस्ट करना होगा जिसके लिए 600 रुपयों की जरूरत होगी। उसे लगता है कि मालती की तरह वो भौरी को भी मजबूर करके उसके जिस्म से खेल लेगा, लेकिन वो बहुत खुद्दार होती है और घर के अनाज तक बेचकर पैसों का इंतजाम करती है, जहां वो लाला औना पौना दाम देकर उसका अनाज खरीद लेता है और वो उन पैसों से डॉक्टर का सारा कर्ज उतार देती है। लेकिन अब भी धनुआ की हालत में कोई सुधार नहीं आता, इसलिए वो मंदिर जाती है जहां पुजारी उसका शोषण करने का जाल रचता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। वो लोग इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिर कब भौरी मजबूर होकर उनके पास आएगी और वो उस पर टूट पड़ेंगे। डॉक्टर अपना शातिर दिमाग चलाता है और भरी पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाकर ये साबित कर देता है कि धनुआ को एड्स की बीमारी है, जिससे सारे गांव वालों को जान का खतरा है। और इस तरह सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें अपना घर भी छोड़कर गांव के बाहर नया घर बनाकर रहना पड़ता है। भौरी अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करने का फैसला करती है, लेकिन भट्टे पर वो लोग गिद्ध की तरह उसे ताड़ रहे होते हैं और उसे तंग करने के रोज नए पैंतरे अपनाते हैं। एक दिन उनके भट्टे में बम्बई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है, जो मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहा होता है। वो लड़का भौरी की काकी के पास ही खाना खाता है और उन्हें इसके बदले पैसे और किराया देता है। वो शहर से आया हुआ लड़का जवान था और उसकी देखरेख करते करते भौरी के मन में भी उसके लिए चाहत बढ़ जाती है। उसका काम खत्म हो चुका होता है और दूसरी सुबह वो गांव से जाने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो भौरी के घर से खाना खाकर निकलने लगता है, वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है और उसके पैर में भी चोट लगी होती है। इसलिए धनुआ भौरी से कहता है कि वो उसे कुछ दूर तक छोड़ आए, लेकिन इसी बीच रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो दोनों वहीं प्यार करने लगते हैं और भौरी भरी
बरसात में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है। लेकिन उन्हें इस तरह लिपटते हुए चौधरी का एक आदमी देख लेता है और वो लोग इस बात से तिलमिला उठते हैं कि भौरी ने उनके बजाय उस शहरी लौंडे को चुन लिया। और दूसरी सुबह वो लोग उस लड़के को बुरी तरह मार कर वहां से भगा देते हैं। वो लोग भौरी पर पंचायत तक बैठा देते हैं कि उसने गांव की नाक कटवा दी है। और इस घटना के बाद धनवा भी भौरी का साथ छोड़ देता है और अकेले गांव से बाहर रहने लगता है। और इस तरह गांव में भौरी अकेले रह जाती है और उसे कोई काम भी नहीं दे रहा होता और साथ ही उसका पति भी अब उसका साथ छोड़ चुका होता है। और आखिर में हार मानकर भौरी ये फैसला करती है कि अब वो वही करेगी जो ये सारे गांव वाले चाहते हैं। वो चौधरी और उसके चमचों को एक साथ अपने घर पर बुलाती है और उनसे बोली लगाने को कहती है। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा भौरी उसी के साथ रात बिताएगी और लाला उसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाता है और उस रात वो भौरी के साथ खूब मौज करता है। इसके बाद बारी बारी से भौरी ये मौका सबको देती है और वो लोग उसके शरीर को भेड़ियों की तरह नोचने में लग जाते हैं। जब गांव वालों को भौरी के नए बिजनेस वैश्यावृत्ति के बारे में पता चलता है तो गांव का हर मर्द उसके साथ सोने की ख्वाहिश जताने लगता है और पैसे कमाकर उसके जिस्म का लुफ्त उठाता है। यहाँ तक कि मजदूर भी अब भौरी का स्वाद चख चुके होते हैं और इस तरह गांव का लगभग हर मर्द भौरी का भोग लगा चुका होता है। अब ये गांव वालों के लिए आम बात हो चुकी होती है, लेकिन धनवा सारी सच्चाई जानते हुए भी गांव से बाहर ही रहने पर मजबूर होता है। यहाँ वकील भी चौधरी के भाइयों की जमानत नहीं करवा पाता और अब तक इंस्पेक्टर उन्हें अच्छे से तोड़ चुका होता है। वकील उसे आइडिया देता है कि अगर वो बसंती के दादे के साथ सेटलमेंट कर ले तो ये मामला यहीं रफा दफा हो सकता है। लेकिन जब चौधरी उसके दादे के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बसंती उसी की नाजायज बेटी थी और उसके भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सुनकर वो बेहद परेशान होने लगता है और तनाव के कारण उसकी एक दिन मौत हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी मौत का असल कारण नहीं मालूम होता। एक दिन डॉक्टर जब अपनी बेटी की बिगड़ती हुई तबीयत से परेशान होता है और उस पर कोई दवा भी काम नहीं कर रही होती, तब ब्लड टेस्ट कराने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है। और उसे बहुत पीटने पर उसे पता चलता है कि उसके कंपाउंडर ने ही ये नीच हरकत की थी। वो मन्नू की कुटाई करके पूछता है कि वो और किस किस के साथ सोया है। तब मन्नू उसे बताता है कि उसके जिस्मानी ताल्लुक भौरी के साथ भी थे, यानी उसे ये बीमारी भौरी से मिली है। और भौरी का नाम सुनकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने भी उसके साथ खूब मजे किए हुए थे। और इस तरह सारे गांव में एड्स की बीमारी फैल जाती है, यानी हर वो शख्स जिसने भौरी के जिस्म को नोचा था अब उन सबको एड्स हो चुका था। और धीरे धीरे गांव में मौतों की संख्या बढ़ने लगती है। जब ये बात मीडिया में जाती है तो सबका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और वहां ज्यादातर लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। गांव वालों को लगता है कि इस बीमारी का कारण धनुआ है, उसी से ये बीमारी फैली है। ये सुनकर गांव वाले धनुआ के खून के प्यासे हो जाते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर उसे बचा लेता है और जब धनुआ का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो गांव वालों को पता चलता है कि धनुआ ही है जिसे ये बीमारी नहीं है। और गांव वालों को पता चलता है कि डॉक्टर ने उस वक्त धनुआ की फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी। असल में ये बीमारी भौरी को धनुआ से नहीं बल्कि उस शहरी लौंडे से होती है। जब गांव वालों को डॉक्टर और उसके साथियों की हकीकत मालूम होती है तो वो उसे मारने टूट पड़ते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोकने के लिए हवाई फायर करता है जिसकी आवाज सुनकर भौरी को लगता है कि धनुआ को गोली मार दी गई है। और यहां साथी पुलिसकर्मी के कहने पर इंस्पेक्टर उन दरिंदों को गांव वालों के हवाले कर देता है और गांव वाले उन वैश्यों को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। दूसरी तरफ जब धनुआ को भौरी का ख्याल आता है तो वो दौड़कर उसके पास आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और भौरी ने आत्महत्या कर ली थी। धनुआ काकी से कहता है कि भौरी को दुल्हन की तरह सजा दो, आज उसकी आखिरी विदाई है। और इस तरह भौरी को आखिर में वो अपनी पत्नी की तरह अंतिम विदाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।